हैं और वो काम कर रहे हैं, और इसके अलावा आपको बताऊँ कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट हमारे पास ऐसा काम ही नहीं है कि आज वाला बिल्कुल हमारे पास ये तो 50-50 किलो के नग उठाने वाले हैं, ये कहाँ बच्चा कहाँ उठाएगा? आप कोऑपरेट करेंगे तो सब कुछ साथ चलेगा। हम जी ठीक ऐसा होगा नहीं यार, हमारे यहाँ पे हो भी नहीं सकता। हमारे वेरोध में 99% चाइल्ड लेबर नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे काम ही थोड़ा मोटा काम है। किसने 50 किलो का उठाना है, किसने कुछ उठाना है, तो वो चाइल्ड कहाँ पे करेगा? बिल्कुल वो तो कर ही नहीं सकता। देखिए कल जो है हमने 16 बच्चों को रेस्क्यू किया था, और आज जो है हमने अभी तक 8 बच्चों को रेस्क्यू किया है। एज़ कि आप सब पब्लिक को ये पहुंच जाए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है। एज़ यू नो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज कितना कंसर्न है अबाउट चाइल्ड लॉज, तो ये सब जो है दोज हु आर अंडर 14 शुड नॉट बी यू नो, उन्हें जो है वो काम नहीं करना चाहिए और उन्हें स्कूल जाना है, दैट इज़ कंपल्सरी। और जो 14 से ऊपर किसी भी सिचुएशन में काम कर रहे हैं उनको जो है वो हैज़ार्डियस कंडीशंस के अंडर काम नहीं करवाना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हमने ड्राइव चलाई थी अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड और DCPO मैम, तो जिससे हम क्या है एक तो रेस्क्यू कर रहे हैं चिल्ड्रन को, और साथ ही साथ हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि चाइल्ड लेबर जो है दैट इज पनिशेबल अंडर 76 सेक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसमें बड़े बड़े गोदाम्स भी हैं, वहाँ पर भी कई बार कुछ लोग चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तर्ज पर अगर मैं कहूँगा तो फ्रूट मंडी नरवाल मंडी की बात करें, वहाँ पर भी शायद कई छोटे छोटे बच्चे काम करते होंगे, तो क्या ये ड्राइव फ्रूट मंडी नरवाल मंडी या इस तरह के गोदाम्स पे भी चलेगी जहाँ पर ये संभवता हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारे शेड्यूल में है पूरा। आज जैसे कि हमने आपने देखा कि हमने यहाँ पर ड्राइव की, कल हमने परेड वाले एरिया में की थी, तो नेक्स्ट डे जो है कल हमने बठिंडी वाली वेव मॉल वाला एरिया जो है वहाँ पर ड्राइव करेंगे। सर हमें ये बताइए CWC ठीक है, देखिए जब हम इन्हें यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते हैं तो सबसे पहले हम इनका कॉन्टैक्ट इनके घर वालों से करवाते हैं, देन जिस जिसके पेरेंट्स आते हैं उन्हें जो है एक अंडरटेकिंग दे के हम जो है वो वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। उसके बाद जिनके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं उन्हें हम और साथ में काउंसलिंग भी की जाती है इनकी, और जिनके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं उन्हें जो है होम्स में डाला जाता है और उनको वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सब कुछ जो चाहिए होता है A to Z सब कुछ मिलता है। आप जम्मू के लोग आपको देख रहे हैं जी, वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज टू दोज हु आर रिपीटिंग देयर वायलेशंस, इसकी सज़ा क्या हो सकती है? बिकॉज एज फार एज आई नो देयर आर मिनिमम 3 months ऑफ जेल और विच कैन लीड विद द फाइन एज वेल, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखिए मेरी सबसे यही गुजारिश है जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं और जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं कि देखिए किसी भी बच्चे को जो है वो काम पे ना रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 76 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें उन्हें 5 साल तक की सज़ा और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।